तो गाइस अभी आप देख रहे हैं बोन जीसस चर्च। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार। जाट ऑन व्हील्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं बेसिलिका ऑफ बॉन जीसस, जो कि एक चर्च है, काफ़ी पुरान चर्च है। और इसके अलावा अगस्टिन टावर देखने जाएंगे और इसके बाद वहां जाके डिसाइड करेंगे। दो तीन प्लेसेस हैं वहां भी घूमने के, तो वहां जाके फिर हम टाइम देख के फिर डिसाइड करेंगे। तो आज 12 बज चुके हैं, 3 दिन के लिए स्कूटी ले रखी है, अभी थर्ड डे है। तो आज थोड़ा फिर जा रहे हैं पंजिम की तरफ ही जा रहे हैं। तो कल रह गया था, कल बंद हो गया था, 5 बजे के बाद ये बंद हो जाते हैं। तो अब चलते हैं सीधा, पहले पेट्रोल भरवाएंगे उसके बाद सीधा निकल जाएंगे। तो गाइस हम फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये है सेंट अगस्टिन का टावर और ये गिरजाघर है, लेकिन ये पूरा मतलब कि खंडित हो चुका है। सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट देखने को मिलेगा, बेस मिलेगा थोड़ा थोड़ा। और ये यही सबसे, जो टावर आप पीछे देख रहे हैं ये सबसे ऊंचा और जर्नन टावर है ये। और इसके अलावा आपको और कोई भी ऊँचाया इतना ऊंचाई वाला टावर नहीं मिलेगा, लेकिन खंडित पार्ट्स आपको देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे। और 1602 में बना था और ये आई थिंक 1832 में ये टूट गया था। और इसके अलावा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शुमार किया गया है। और इसमें आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को टच नहीं कर सकते, इसको सेफ करके रखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत। तो ये देख लीजिए पीछे टावर, तो वो काफ़ी अच्छा है देखने के लिए। अगर आप साउथ गोवा की तरफ आएँ तो ज़रूर इसमें अपने बकेट लिस्ट में रखें, इसको आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे अपनी। तो गाइस अभी मैं हूँ ओल्ड गोवा में और बोन जीसस चर्च मेरे है राइट हैंड पे और म्यूज़ियम है लेफ्ट हैंड पे। ये दो मोनूमेंट्स हैं यहाँ पे देखने के लिए। और मेरे पीछे है रेस्टोरेंट, यहाँ पे अभी हमने खाना खा लिया है। अब चलेंगे आगे बोन जीसस चर्च, जो कि 1602 का बना हुआ है। तो अभी तक बिल्कुल स्ट्रक्चर वेल मेंटेन्ड है। संत जेवियर की मम्मी है जो कि 10 साल बाद दिखाई जाती है। तो ये सब हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सेंट अगस्टिन का टावर अभी देख के आए थे हम। और नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसके बाद हम जाने वाले हैं एक वाटरफॉल देखने। यहाँ से लगभग 45 मिनट्स की अपनी स्कूटी राइड और होगी। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, द बेसिलिका ऑफ बोन जीसस, बोन जीसस का महागिरजाघर। और ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ये 1594 में बना था और 1602 में स्टार्ट हुआ था। ये 3 मंजिला गिरजाघर है, ये सामने देखिए। और ये पूरा गिरजाघर है, इसमें कोई, अभी इससे पहले जो देखा था गिरजाघर वो पूरा टूट गया था, लेकिन ये पूरा गिरजाघर है और मोस्ट विजिटेड प्लेस है साउथ गोवा में। और जितने भी टूर ट्रेवलर है इसको दिखाने ज़रूर लेके आते हैं आपको। और इसमें सेंट एंथनी जेवियर की इसमें मम्मी रखी हुई हैं और हर 10 साल बाद उसको दिखाया जाता है। तो चलते हैं अंदर गिरजाघर के अंदर, देख कितना बड़ा द्वार है इसका। तो गाइस अभी हम आए हैं हरवालम वाटरफॉल देखने।
और ये रास्ता है हर्बालयम वाटरफॉल का आगे से। ये कोई एंट्री गेट है, कॉलोनी का एंट्री गेट है ये। इसके अंदर से नहीं जाना, ये लिखा हुआ वे टू वाटरफॉल, तो हम आगे से जाएंगे। तो ये आज की हमारी थर्ड डेस्टिनेशन है और इसके बाद देखते हैं, टाइम बचेगा तो आगे करते रहेंगे। कल तो बारिश ने काम ख़राब कर दिया था, 3 बजे से जो बारिश हो रही रात को पूरी बारिश आती रही। हमने काफ़ी प्लेसेस कवर करे थे कल हमने, लेकिन एक दो प्लेसेस हमारे रह गए थे जो आज मैंने कवर करे हैं, ये मैंने कल कवर करने थे। और ये रास्ता है हर्बालयम वाटरफॉल का और नीचे बना हुआ है व्यू पॉइंट, वहाँ पर वहाँ तक जाना हमने। तकरीबन 30-40 स्टेयर्स हैं और काफ़ी शोर कर रहा है वाटरफॉल, यहाँ से नज़र आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ, ये सामने आप देख पा रहे होंगे और अच्छा खासा टूरिस्ट आया हुआ है। तो भाई ये है हर्बालयम वाटरफॉल, ये देखिए कितना बड़ा वाटरफॉल है और ये चारों तरफ का मैं व्यू दिखा देता हूँ, बहुत ही शानदार व्यू है। ये रिवर जारी होगी आगे और ये व्यू पॉइंट है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और हम यहाँ से ऊपर से आए हैं। ये ऊपर जाके वो ऊपर जो शॉप नज़र आ रही है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है ऊपर पार्किंग से यहाँ तक, जो कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और कल ही बारिश हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी डेंस ये अपना वाटरफॉल है। आज कल काफ़ी बारिश हुई है और इस वजह से मैं आया हूँ यहाँ पे वाटरफॉल देखने, मज़ा आ गया, वसूल हो गया आज की राइड जो मैं यहाँ तक आया हूँ। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, यहाँ पे केव्स है, पांडव केव कहते हैं, वहाँ चलते हैं पांडव केव देखने। वाटरफॉल के बिल्कुल साथ में एक टेंपल है जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे सामने, और पीछे था टेंपल और इसको एक्सटेंड किया गया है, काफ़ी बड़ा टेंपल बनाया गया है। ये बरामदा होगा इसका टेंपल का और नीचे रिवर बह रही है, झरने से जो पानी निकल रहा है वो सामने है। तो मंदिर का थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको, दर्शन करा देता हूँ। ये डोम के अंदर आ गए हैं, ये जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन चल रही है डोम की, ये सामने, और ये श्री रुद्रेश्वर देवस्थान है हरवले खांगली गोवा। तो हरवले में है खांगली गोवा, हरवले वाटरफॉल है ये और सांगली है ये जगह का नाम, सांगली हरवले। ये मंदिर से हम नीचे उतर के आ गए हैं, ये जहाँ से पानी आ रहा है अपना वाटरफॉल का सामने, आप देख पा रहे होंगे पानी गिर रहा है वहाँ पे। और कल बारिश की वजह से यहाँ पर देखिए पानी ऊपर तक आ गया, यहाँ तक पूरा पानी आ गया होगा। और ये बड़ का वृक्ष और ये एक तरह का बांध बना हुआ है, उससे नीचे पानी जा रहा है, फिर बहुत ही शानदार। ये देखिए सामने वाटरफॉल है और व्यू देखो यार कितना खूबसूरत लग रहा है, सामने जंगल है छोटा सा और ये पानी। ये मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, ये पीछे से मैंने पहले वीडियोग्राफी की थी, वो सामने खड़ा था। ये मैंने आपको बताया आगे डैम टाइप बना रखा है, ये डैम जिसमें पानी अंदर रुका हुआ है काफ़ी, और उसके बाद ये पानी यहाँ से निकलता है, ये आगे जाता है फिर इस तरह से। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये हर्बालयम वाटरफॉल के लिए यही रास्ता है और ये पांडव केव के लिए भी यही रास्ता है और एक रास्ता आगे से भी आता है। तो गाइस हम अभी खड़े हैं पांडव केव में, ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे पांडव केव, जो कि वाटरफॉल से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है, 15-16 मिनट लगते हैं वह अपना हर्बालयम वाटरफॉल से, या आप स्कूटी पे है तो घूम के आओगे तो 4 मिनट लगते हैं, अभी मुझे 4 मिनट लगे हैं आगे से घूम के आने में। तो ये देख लो आप, इसको पांडव केव कहते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पांडव वनवास के दौरान यहाँ पांडव रहे थे। तो चलते हैं अंदर, चलते हैं अभी। तो गाइस मैं अभी गुफा के अंदर हूँ और हर गुफा में एक शिवलिंग है, ये देखिए यहाँ पर भी है, इधर भी है शिवलिंग और ये भी शिवलिंग है और उस गुफा में भी शिवलिंग था। तो ये पूरे हर गुफा के अंदर एक शिवलिंग बनाया हुआ है, ये काफ़ी प्राचीन गुफा है, इसे पांडव गुफा कहते हैं और जो कि हर्बालयम वाटरफॉल के बिल्कुल नज़दीक है। ये दोनों डेस्टिनेशन आप, दोनों प्लेसेस आप कवर कर सकते हैं एक साथ। तो शाम के 6 बज चुके हैं और हम वापसी अपने जा रहे हैं अंजना बीच की तरफ। 12 बजे हमने अपनी आज की राइड शुरू करी थी, तो हमने आज जो जो डेस्टिनेशन कवर किए, एक तो हम ओल्ड गोवा चर्च देखने गए थे और उसके बाद अगस्टिन टावर देखा हमने, बहुत ही शानदार प्लेसेस हैं,
अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर इनको शामिल कीजिए। इसके अलावा हमने हर्वलिन वाटरफॉल, जो कि बहुत ही ऑफबीट प्लेस है और बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, वो देखा हमने, और उसी के बिल्कुल साथ में है पांडव केव, वो भी बहुत ही शानदार है। आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर करना, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आपको इसी तरह अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद।